गुड मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम। आई एम प्रमिला मंत्री और अभी हम पढ़ रहे हैं द पावर, हिंदी में शक्ति। सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग। कौन रीड करेगा आज? यस मैम, मैं करूँ क्या? यस अनुश्री। यस यस मैम। हाँ जी। बॉर्डर आ गया। हाँ हट गया बॉर्डर, थैंक यू। अगर और किसी को रीड करना है तो रीड कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। यस यस, कोई भी रीड कर सकता है ऐसी। मगर क्या है अनुश्री, सुबह का टाइम है तो हाँ 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 अगर आपने बोला इसका मतलब आप कंफर्टेबल हो, यस मैम। है ना? तो सुबह का टाइम है, ओके सबके ओके, नो सबके प्रॉब्लम। घर में कुछ ना कुछ काम चालू है। ओके लेट्स यस स्टार्ट। यस कल हमने यस यहाँ से स्टॉप किया था तो हमें अभी स्टार्ट करना है। मैं किसी भी स्थिति से, है ना? ये स्क्रीन नहीं दिख रही है, बुक नहीं दिख हाँ रहा या 1 मिनट, जस्ट नाउ आई एम शेयरिंग। है। ओके okay. हाँ अभी स्क्रीन आपको दिख रही होगी। हाँ, जी मैं किसी भी स्थिति में खुश होने के लिए कला कृत संकल्पक हूँ, क्योंकि अपने अनुभव से मैंने यह सीखा है कि हमारे अधिकांश सुख या दुख हमारी परिस्थितियों पर नहीं, बल्कि हमारे स्वभाव और प्रवृत्तियों पर निर्भर करते हैं। मार्था वॉशिंगटन, 1732 टू 1802, अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन की पत्नी। बुरी भावनाओं को खत्म कैसे करें? अपने एहसास को बदलकर आप अपने जीवन की किसी भी चीज को बदल सकते हैं। जब आप किसी क्षेत्र के बारे में अपने एहसास को बदल लेंगे तो उस क्षेत्र का पूरा हुलिया ही बदल जाएगा। लेकिन अपने एहसास को बदलने के लिए, पूरी भावनाओं को छुटकारा पाने के लिए पाने की कोशिश न करें, क्योंकि बुरी भावनाएं और कुछ नहीं, सिर्फ प्रेम का अभाव है। इसके बजाय खुद को प्रेम से लबालब कर ले। क्रोध या दुख से छुटकारा पाने की कोशिश न करें। जब आप प्रेम से लबालब हो जाएंगे तो क्रोध और दुख अपने आप चले जाएंगे। आपको अपने भीतर से बुरी भावनाओं को खोद 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 कर नहीं निकालना है, जैसे कि आप अपने भीतर प्रेम भरेंगे, सारी बुरी भावनाएं खुद ब खुद चली जाएंगी। जीवन में सिर्फ एक ही शक्ति है और वह शक्ति है प्रेम। आप या तो प्रेम से भरा होने के कारण अच्छा महसूस कर रहे हैं, या फिर प्रेम से रिक्त होने के कारण बुरा महसूस कर रहे हैं, लेकिन आपकी सारी भावनाएं प्रेम का ही अंश है। अपने शरीर को गिलास और प्रेम को उसमें भरा पानी मान ले। यदि किसी गिलास में सिर्फ थोड़ा सा पानी भरा है तो इसका मतलब है कि यह खाली है। अब ऐसे ऐसे में अगर आप खालीपन से जूझने लगे और खालीपन को बाहर निकालने की कोशिश करने लगे तो उससे गिलास में पानी का स्तर नहीं बढ़ेगा। दूसरी ओर जब आप गिलास में पानी भरेंगे तो खालीपन अपने आप दूर हो जाएगा। बुरी भावनाएं महसूस करते समय आप प्रेम से खाली होते हो, लेकिन जब आप प्रेम को अपने अंदर भर लेते हैं तो आप प्रेममय हो जाते हैं और सारी बुरी भावनाएं चली जाती है। डियर बुरी फ्रेंड्स, भावनाओं ओके, बहुत ही ब्यूटीफुली उन्होंने बताया है कि अपने शरीर को खाली ग्लास समझें। हमारी जो बॉडी है वो आज से क्या है फ्रेंड्स, खाली ग्लास है, और जो प्रेम है उसमें भरा हुआ पानी है। अगर वो आधा ग्लास भी है तो आप समझ लें, आप कुछ भी करें अगर आप प्रेम डालेंगे तो ही वो ग्लास फुल होगा। बहुत ही ब्यूटीफुली उन्होंने समझाया है एक बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल्स के साथ कि अपने शरीर को गिलास और प्रेम को उसमें भरा हुआ पानी माने। यदि किसी गिलास में सिर्फ थोड़ा सा पानी भरा है तो इसका मतलब है कि यह खाली है। अब ऐसे में अगर आप खालीपन से जूझने लगे और खालीपन को बाहर निकालने की कोशिश करने लगे तो इससे ग्लास में पानी का स्तर नहीं बढ़ेगा फ्रेंड्स। दूसरी ओर जब आप ग्लास में पानी भरेंगे तो खालीपन अपने आप दूर हो जाएगा, यानी आप प्रेम भरेंगे। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, मेरे एक क्लाइंट थे, वो
30 to 35 ईयर्स के थे, वो बता रहे थे कि मेरे पापा इतने पैसे वाले हैं मैम, लेकिन मुझे बिल्कुल मदद नहीं कर रहे हैं। और वो बहुत ही ज्यादा अपने पापा से एक बुरी फीलिंग लेकर लेकर रहते थे हमेशा। तो मैंने उनको बताया कि आप के पापा कितने साल के होंगे, तो उन्होंने बताया कि 75 ईयर्स के हैं। तो मैंने बोला कि देखिए 75 ईयर्स के आपके पापा हैं और आप बोल रहे हैं वो आपको प्रॉपर्टी नहीं दे रहे हैं, आपको जितना पैसा चाहिए वो नहीं दे रहे हैं। तो आप इसका उल्टा सोचें कि आज वो 75 ईयर्स के हैं, वो आपसे कुछ ले तो नहीं रहे हैं, या उन्होंने आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी तो नहीं डाली है, क्योंकि 75 में आज वो खुद अपने पैरों पे खड़े हैं और आज वो इतने रिचेस मैन हैं, वो अपने आप को संभाल रहे हैं। तो ये भी आपके लिए बहुत बड़ी कृतज्ञता है, क्योंकि आप अभी 35-40 के हो तो आपकी जिम्मेदारी है कि आज उनको देना और संभालना, तो वो आपसे कुछ मांग तो नहीं रहे। तो ये उनको जब मैंने शिफ्ट दिया फ्रेंड्स, उनकी लाइफ ही चेंज हो गई, उनके लाइफ का सोचने का नजरिया ही चेंज हो गया कि मैम मैंने ये तो सोचा ही नहीं था कि वो 75 ईयर्स के हैं और मैं उन्हें दे सक, मतलब ऐसा भी हो सकता था कि वो एक्सपेक्ट करते कि भाई तू मुझे दे, तू मेरी इंश्योरेंस पॉलिसी करा, तू मेरी दवाइयां करा, तू मुझे खिला, या तू मुझे 50,000 हर महीने दे जो मेरा खर्चा है, मगर वो खुद कर रहे अपना खर्चा। तो हर तरफ फ्रेंड्स हमें खोद खोद के हमारी जो भी गलतियां हैं, हमारे जो भी हमारे साथ कुछ हुआ है उसे नहीं देखना है, हमें प्रेम से हमारे ग्लास को भरते जाना है, हमारे नजरियों को बदलते जाना है। कैसे हम उसको बदल सकते हैं? दूसरा बंदा आया था, वो उसकी बेटी 10 साल की थी फ्रेंड्स, वो बोल रहा था कि मेरी बेटी मुझे प्यार ही नहीं करती है। मैंने बोला कितने साल की है, तो बोले 10 साल की है। मैं बोली आप भी तो कर सकते हो, आप भी तो कर सकते हो। फ्रेंड्स हम इतनी बुरी भावनाओं में हैं कि हमारे सामने सलूशन है हर चीज का, मगर हम देख नहीं पा रहे, क्योंकि हम कृतज्ञ की भावना में नहीं है, हम प्रेम की भावना में नहीं है। मैंने बोला अरे वो 10 साल का बच्चा है, आप तो प्रेम करें, शुरू करें देना, अपने आप वो करेगा। आप ले जाए उसे शॉप में, दिलाए उसे खिलौने, एक बार उसे एक शॉप में खड़ा कर दे और पूछे बेटा क्या चाहिए, ले लो तुम्हें जो चाहिए। क्या लेते क्या है बच्चे लोग, 100-200 के खिलौने, दे दो 1,000 रुपए के खिलौने एक दिन, कर दो उसको एकदम बावला, वाओ कि मेरे पापा है, उन्होंने मुझे इतने खिलौने दिलाए। बच्चे तो क्या है, छोटी सी चीज में भी खुश हो जाते हैं, एक प्लास्टिक का पंखा दिला दो खुश हो गए। तब उनको लगा ओ माई गॉड मैम, मैं तो यही सोचता था कि ये मुझे प्यार नहीं कर रही। तो क्या है फ्रेंड्स, हमको छोटे छोटे नजरिए को हमें बदलना है, हमारी सोच को बदलना है और हमारे ग्लास भरते जाना है, हमारा ग्लास भरते जाना है। आज से हमें हमारा ग्लास भरना है फ्रेंड्स। देखिए हमारा ग्लास हम कैसे भर सकते हैं, कैसे हम लोगों को दे सकते हैं। जैसे मेरे घर में कोई डिलीवरी बॉय आता है तो सबसे पहले मैं पानी रेडी रखती हूँ, चढ़ के आया होगा 11 माला या कहीं से दूर से आया है, उसको पानी देती हूँ, और जो भी उसका 10-5 रुपया उसका बैलेंस अमाउंट रहता है नहीं आप रख लो, उसके अंदर जो खुशी रहती है वो इसलिए नहीं देती फ्रेंड्स कि मुझे 1,000 गुना आएगा, नहीं नहीं, ये मेरी पहले से ही आदत है, मेरे घर वालों को पता है, बहुत पहले से, जब मैं बस था नहीं था की बात ही नहीं थी, कोई भी रिक्शे वाले को अगर 2-4 रुपए देने दिल से दे के आती हूँ, नहीं आप रख लो कोई जरूरत नहीं वापस देने, अबंडेंस, वो मेरे अंदर बचपन से फीलिंग थी। और आज मेरे घर वाले बोलते इसीलिए तुझे इतना मिला है, वो आज मुझे जब मैं ये पढ़ती हूँ तो मुझे बोलते प्रमिला तुझे पता है तू ऐसा करती थी और अब तुझे बोलते तू बेवकूफ है। मैं बोला हाँ तुम लोग मुझे बेवकूफ तो बोलते थे, मुझे याद है, हर चीज में मुझे बोलते थे ये तो बेवकूफ है, लुटा के आएगी, ये तो बेवकूफ है, क्योंकि मुझे इतना अच्छा लगा। कोई आता था मेरे घर पे क्या खाएंगे, अभी भी इलेक्ट्रिशियन आता है सबसे पहले बेटा इनकी चाय बनाओ, कुछ नाश्ता रेडी है तो दे दो इन्हें, क्यों हमें वो सर्विस दे रहा है बंदा। देखो कि हम कैसे उस ग्लास को भर सकते हैं, प्रेम को भर सकते हैं अपने ग्लास में फ्रेंड्स। इन्होंने आज एक फॉर्मूला दिया है हमें, हम शरीर नहीं है, हम एक ग्लास है, और आज हमें अपने ही प्रेम से इस ग्लास को भरना है। और आप सभी लोग 0 से 100 में देखें आपका ग्लास कितना भरा हुआ है, उस परसेंटेज को आज अपने बुक में लिखें, और रोज 1% या 2% बढ़ाते जाएं, और एंड ऑफ द डे इस बुक के सभी बताएंगे किसका ग्लास कितना भर गया है और मैम कितना बाकी है। ओके अनुश्री पढ़े आगे। यस मैम,
बुरी भावनाओं का प्रतिरोध ना करें। स्क्रीनशॉट निकाल के रखे फ्रेंड्स, दिन में 10 बार देखें कि ये जो ग्लास है वो आप है और जो पानी है वो प्रेम है। जीवन में हर चीज की एक सटीक जगह है और इसमें बुरी भावनाएं भी शामिल है। बुरी भावनाएं नहीं होती तो आप कभी नहीं जान पाते कि अच्छा महसूस करना कैसा होता है। आप सारा समय ओहो महसूस करते रहते क्योंकि आपके पास अपनी भावनाओं की तुलना करने के लिए कुछ नहीं होता। आप यह नहीं जान पाते कि सचमुच खुश, रोमांचित या सुखी महसूस करना कैसा लगता है। दुखी महसूस करने के बाद ही आपको पता चलता है कि खुशी का एहसास कितना सुखद है। आप कभी भी बुरी भावनाओं को जीवन से पूरी तरह नहीं हटा सकते क्योंकि वे जीवन का हिस्सा है और उसके बिना आपकी अच्छी भावनाएं महसूस नहीं हो सकती। यदि आपको इस बात से बुरा महसूस होता है कि आप में बुरी भावनाएं हैं, तो आप दरअसल अपनी बुरी भावनाओं की शक्ति को बढ़ा रहे हैं। इससे न सिर्फ आपकी बुरी भावनाएं और अधिक बुरी होती है बल्कि आप और ज्यादा नकारात्मकता देने लगते हैं। यह बात अच्छी तरह समझ ले कि बुरी भावनाओं से आपको अपना मन चाहा जीवन कभी नहीं मिल सकता, इसलिए उन्हें अपने ऊपर हावी न होने दे। आपकी भावनाओं की लगाम आपके हाथ में है, इसलिए यदि कोई बुरी भावना आप पर हावी होती दिख रही है तो उसकी इसकी ऊर्जा को धराशायी कर दे। इसका एक उपाय है चीजों को कम गंभीरता से लेना। ओके तो फ्रेंड्स, हमें जो हम बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक रहते हैं, डिसिप्लिन में रहते हैं, तो हर चीज को हम बहुत ही गंभीरता से लेते हैं। तो अभी आपको लेना है कि फर्क पैदा है, यानी हमारे लैंग्वेज में बोलते हैं फ्रेंड्स, क्या फर्क पड़ रहा है, की फर्क पैदा है। कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। मास्क नहीं पहन के गए थे, रास्ते पे याद आ गया मास्क नहीं लिया घर से, की फर्क पैदा है, दूसरा ले लेंगे, 20-20 रुपए 30-30 रुपए में मिल रहा है। हर चीज को, कोई भी चीज को आप गंभीरता से मत लें, एक सेंटेंस बना लें, की फर्क पैदा है, क्या फर्क पड़ता है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लाइफ चलती रहेगी। तो हर चीज को खुशियों से लें, आनंद से लें फ्रेंड्स, कोई फर्क नहीं पड़ता है। छोटी छोटी चीजों में जब आप स्ट्रेस हो जाते हो, टेंशन ले लेते हो, कोई फर्क, लाइट चली गई है 10 मिनट में आ जाएगी, रिलैक्स हो जाए, कुछ और काम करें। तो इन्होंने बताया अपने लाइफ से गंभीरता को दूर करते जाए और बुरी भावनाओं को महसूस करें, और जब अच्छी भावनाओं में आते हैं तो आप उसका डिफरेंस देखें। यस, जब आप एसी में ट्रेवल करते हो फ्रेंड्स, और एक दिन आप जब भी कोई ऐसी जगह पे ट्रेवल करते हो, सेकंड क्लास या थर्ड क्लास, तो आपको फील होगा कि क्या चेंजेस आए हैं आपके लाइफ में। काली मिर्च फट जाती है मुंह में डालने के लिए। तो फ्रेंड्स, आपको ये महसूस होगा, जैसे कि मेरी मम्मी थी बहुत सालों से, वो उन्होंने ना फ्रेंड्स एसी में नहीं सोया था, तो मैं मम्मी को बोलती थी एसी लगवा लो, हम एसी लग पानी दो ना, अब आप एसी लगवा लो, तो वो बोलते नहीं नहीं मैं तो बहुत खुश हूँ ऐसी। और एक दिन आया जब हमने उनको एसी लगा के दी, और अब वो एसी के बगैर सोते नहीं है, क्योंकि उन्होंने ये फील किया, वाओ एसी में सोने का मजा ही है। तो तब उन्होंने जब ये फील है, तो बोलते नहीं बेकार के खर्चे है बेटा, क्यों लाइट बिल बढ़ाना है तुम लोग, मैं तो पूरी जिंदगी ऐसे ही सोई हूँ, मुझे तो मजा आता है, मुझे तो नींद आती है। तो फ्रेंड्स, जब तक हम अच्छी फीलिंग्स को महसूस नहीं करेंगे, तब तक हम ये नहीं जानेंगे फ्रेंड्स कि अच्छी फीलिंग्स क्या है। तो ज्यादा से ज्यादा आप अच्छी फीलिंग्स में रहो फ्रेंड्स, अच्छे कपड़े पहनो, अच्छी जगहों पे जाओ। आपके लिए अगर कहीं ट्रेवल कर रहे हो और आप पैसे में भरपूर हो, तो अच्छी बचत की चीज में मत सोचो, बेस्ट से बेस्ट ट्रेवल करो, बेस्ट से बेस्ट चीज खरीदो अपने लिए। अगर कोई बंदा आपको 3 ड्रेस दिखा रहा है कि 1500 की है, 2500 की है, 3500 की, और अगर आप दे सकते हो उस समय 3500, आपके पास ऐसा कोई खर्चा नहीं है सामने कि आपका रुक रहा है उस 3500 की वजह से, तो आप 3500 वाला ही लो, बेस्ट ही चीज लो, और देखो कि क्या फील होता है। आज से आप ये कोशिश करो फ्रेंड्स कि हम सभी लोग बेस्ट में रहेंगे,
और बेस्ट की ही कामना करेंगे, कल्पना करेंगे और बेस्ट ही खरीदेंगे। जहां पर भी अगर आपको ऑप्शन आया तो आप सबसे पहले कहेंगे आई एम द बेस्ट, मुझे बेस्ट चाहिए, बेस्ट ही लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स, ये फीलिंग्स का मामला, फीलिंग्स को 0 से 100 में 99 तक ले आए, आपकी कल्पना को भी वहां तक ले आए, आपके फीलिंग्स को ले आए और आप बिलो अबव द लाइन रहेंगे। जबकि आपकी फीलिंग्स 99 पे आएगी आप अक्सर अबव द लाइन रहेंगे फ्रेंड्स, और आपका तराजू हमेशा 51% पे रहेगा। आपका जो मेजरमेंट है जो हमने देखा आगे के चैप्टर्स में वो आपका 51% रहेगा। यस अनुश्री आगे पढ़ें। हमारे भीतर एक संसार है, विचार का, भावना का, शक्ति का, प्रकाश का, सौंदर्य का। अदृश्य होने के बावजूद इस संसार की शक्तियां सर्वाधिक प्रबल है। स्क्रॉल करना है। चार्ल्स हानेल 1866 टू 1949 नव विचारवादी लेखक। जीवन में आनंद ही आनंद होना चाहिए। आनंद की अवस्था में आप बेहतरीन महसूस करते हैं और आपको बेहतरीन चीजें मिलती है। जब आप जीवन को जरूरत से ज्यादा गंभीरता से लेते हैं तो आपको गंभीर चीजें ही मिलती है। आनंद करने और आनंदित होने से ही मनचाही जीवन मिलता, मन चाहा जीवन मिलता है। चीजों को जरूरत से ज्यादा गंभीरता से लेने से ऐसा जीवन मिलता है जिसे आप गंभीरता से लेने के लिए मजबूर हो जाते हैं। अपने जीवन का नियंत्रण आपके हाथों में है और इसका इस्तेमाल करके आप अपने मन चाहे जीवन का सृजन कर सकते हैं। लेकिन भलाई इसी में है कि आप थोड़े गंभीर हो, कम गंभीर हो जाए, थोड़े हल्के फुल्के हो जाए। बुरी भावनाओं को हल्का करने के लिए मैंने एक उपाय खोजा है। मैं उनकी कल्पना जंगली घोड़ों के रूप में करती हूँ। एक है गुस्सेल घोड़ा, एक है नफरत से भरा घोड़ा, दोष मरने वाला घोड़ा, टूटने वाला घोड़ा, गुनगुनाने वाला घोड़ा, चिड़चिड़ा घोड़ा, उदास घोड़ा। यह अस्तबल बुरी भावनाओं के घोड़ों से भरा पड़ा है। जब भी किसी घटना से निराश होती हूँ तो मैं खुद से कहती हूँ, तुम निराश के घोड़े पर चढ़ी ही क्यों थी, इसी पल इससे नीचे उतर जाओ, क्योंकि यह तुम्हें ज्यादा निराशा की ओर ले जा रहा है। मैम किसी का ना चार म्यूट नहीं है कोई। यस मैं कर। और तुम वहां नहीं जाना चाहती हो। मैं अपनी बुरी भावनाओं की कल्पना भी जंगली घोड़ों पर चढ़ने से करती हूँ। अगर मैं उन पर चढ़ी थी तो उतर भी सकती हूँ। मैं बुरी भावनाओं को इस तरह नहीं, इस तरह नहीं देखती कि वे मेरा वास्तविक स्वरूप उजागर करती है, क्योंकि यह सच नहीं है। बुरी भावनाएं आपका वास्तविक स्वरूप नहीं है। बुरी भावना के एहसास का विकल्प अपने ही आपने ही चुना है। इसलिए आप जितनी तेजी से घोड़े पर चढ़े थे उतने ही जल्दी उस पर से उतरने का विकल्प भी चुन सकते हैं। यदि आप बुरी भावनाओं की कल्पना जंगली घोड़े के रूप में करते हैं जिस पर आप सवार हैं, तो इससे उनकी शक्ति कम हो जाएगी। यह बुरी भावनाओं को शक्तिहीन करने का आजमाया हुआ तरीका है। किसी करीबी व्यक्ति की बुरी भावनाओं का आप पर ज्यादा असर नहीं होगा। यदि आप उसके बारे में यह कल्पना करेंगे कि वह चिड़चिड़े घोड़े पर सवार है, तब आप उससे चिड़चिड़ेपन का बुरा नहीं मानेंगे। लेकिन अगर आप इसका बुरा मान जाते हैं और उसके चिड़चिड़ेपन से प्रभावित होकर खुद भी चिड़चिड़े हो जाते हैं, तो इसका मतलब है कि आप भी उसके साथ चिड़चिड़े घोड़े पर बैठ चुके हैं। ना समझी भरे व्यवहार पर भी समझदारी भरी प्रतिक्रिया दो। लाओ त्यू लगभग 6वीं सदी ईस्वी सन पूर्व ताओवाद के संस्थापक। जीवन में ऐसा ही करती हूँ। मैं जिसे नहीं चाहती उसके बारे में अपनी कल्पना का इस्तेमाल करके आनंद लेती हूँ और इस तरह अनचाही चीजों को शक्तिहीन कर देती हूँ। कई बार जीवन की अलग अलग परिस्थितियों में
खुद को या दूसरे लोगों को जंगली घोड़ों की सवारी करता देखकर हंस पड़ती थी पड़ती हूँ। जब आप हंसते हंसते किसी बुरी भावना को दूर कर दे तो यह सचमुच बड़ी बात होती है। आप अभी अभी अपनी जिंदगी बदल ली है आपने अभी अभी अपनी जिंदगी बदल ली है। यदि आप बुरा महसूस कर रहे हैं तो इसके लिए खुद को कोस कर उसी बुरी भावना की शक्ति न बढ़ाए। अगर आप ऐसा करते हैं तो इसका मतलब है कि आप जंगली घोड़े को चाबुक मार कर उसे उकसा रहे हो। मुद्दा बुरी भावनाओं से नफरत करनी नहीं है बल्कि सोच विचार कर अच्छी भावनाओं को चुनना है और उन्हें ज्यादा बुरा चुनना है। आप बुरी भावनाओं को प्रतिरोध करते हैं तो वे बढ़ती है। आप बुरी भावनाओं को जितना ज्यादा नापसंद करते हैं वे उतनी ही ज्यादा बढ़ती है। जीवन में आप किसी चीज का जितना ज्यादा प्रतिरोध करते हैं वह आपकी ओर उतनी ही ज्यादा आकर्षित होती है। ओके, तो फ्रेंड्स आप जितना भी रेजिस्ट करेंगे उतना ही आप परसिस्ट उतना ही आपके पास जोर से आएगा। जैसे हम बोलते हैं ना मुझे नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए, उतना ही आपके पास वो चीज ज्यादा आएगी। अगर आप बोलोगे मुझे गुस्सा नहीं करना है नहीं करना है नहीं करना है, आपको ये नहीं बोलना है, आपको अपने पूरा आपकी भावनाओं को चेंज कर देना है, आपके प्रेम के साथ रहना है। और अगर आपके सामने भी अगर कोई गुस्सा कर रहा है तो देखो कि ये जंगली घोड़े पे चढ़ा हुआ इंसान है, मन ही मन मुस्कुराओ और देखो अरे ये तो घोड़े पे चढ़ गया, जंगली घोड़े पे चढ़ गया, कब उतरेगा ये। ये जब आपको गुस्सा आता है तो तुरंत अपने आप को क्लिक करो कि क्या मैं कहीं जंगली घोड़े पे तो नहीं चढ़ गई हूँ, उतर जाओ, मुझे तो मुझे सफेद घोड़े पे बैठना है, राजा रानी के घोड़े पे, जो मुझे अबंडेंस की ओर ले जाएगा, जो मुझे खुशियों की ओर ले जाएगा, जो मुझे हैप्पीनेस की ओर ले जाएगा, जो मुझे सेलिब्रेशन की ओर ले जाएगा। मुझे तो मुझे सफेद घोड़े पे बैठना है, इस जंगली घोड़े पे मैं कैसे बैठ गई। बार बार अपने आप को ऐसा इमेजिन करो, जैसे थोड़ा गुस्सा आ रहा है तुरंत आंख बंद करो और उस जंगली घोड़े को देखो, पर्पसली देखो, अरे इस जंगली घोड़े पे मैं बैठी थी, देखो ऐसे बाल आपके से गंदे से हैं और मैं ऐसी भूतनी लग रही हूं। देखा है कभी अपने आप को गुस्सा करते हुए अपना चेहरा देखा है, देखो उस चेहरे को, आप वो चाहोगे ही नहीं फिर कभी आप उस घोड़े पे बैठना। एक बार बंद करके सभी लोग आंख बंद करके इमेजिन कर लो जंगली घोड़े पे जब आप बैठते हो तो कैसे लगते हो, और अपना वो चेहरा गंदा सा एक बार देख लो। आप कभी भी जंगली घोड़े पे नहीं बैठोगे, बोलोगे नहीं मुझे तो राजा के घोड़े पे ही बैठना है, व्हाइट घोड़े पे ही बैठना है, जो मुझे इंजॉय कराए, अबंडेंस में ले जाए, हैप्पीनेस में ले जाए, बस खुशियों में ही ले जाए, आनंद मेले में ले जाए। और वो आप आनंद मेले के घोड़े पे ही बैठना पसंद करोगे। तो हमेशा अपने आप को वो एक रिकलेक्ट करो फ्रेंड्स, एक वो न्यूरल लिंग्विस्टिक प्रोग्राम बना लो माइंड में, जंगली घोड़ा, और मैं उस जंगली घोड़े पे बैठी हूँ एक भूतनी की जैसे, या एक भूत लग रहा हूं। जब हम गुस्सा करते हैं तो हम एक भूत बन जाते हैं। अपना चेहरा देखा करो, अपनी आंखें, श्वास कितनी तेजी से चलती है, किस तरह से हम देखते हैं, हम एक बदसूरत से इंसान लगते हैं फ्रेंड्स। उस अपने वो स्क्रीनशॉट को निकाल के रखे और कहें ये तो मुझे कभी नहीं बनना है, ये तो मुझे बनना ही नहीं है। दिल में एक महसूस करें और उसकी तरफ एक सफेद घोड़े पे आप बैठे हो, एक राजकुमारी की तरह, एक राजा की तरह आप बैठे हो, और आप अपने सपनों की तरफ उस घोड़े पर बैठकर आगे से आगे बढ़ते जा रहे हो। वाह क्या मजा आ रहा है, क्या मजा आ रहा है उस घोड़े पे बैठने, उसको इमेजिन करें और उस तरह से आप देखें कि आप कैसे आप एंगर से निकलते जाओगे धीरे धीरे। आगे पढ़े अनुश्री। इसलिए अगर बुरी भावनाएं आपकी ओर आज आती है तो उनकी रत्ती भर भी परवाह न करें, उनका जरा भी प्रतिरोध न करें और इस तरह उनकी सारी शक्ति निचोड़ ले। यस बिल्कुल, इतना आप उसको बेइज्जत कर दो गुस्से को फ्रेंड्स कि वो आवे ही नहीं, इतनी बेइज्जती उड़ा दो गुस्से को, जितनी आप बेइज्जती कर सकते हो ना एंगर की करो, उस जंगली घोड़े को उतना ही गंदा बनाओ, अपने आप को उस पर बैठा हुआ देखो, ऐसे बड़े बड़े सिंग देखो अपने, ऐसे मेरे बाल जो ऐसे सिंग हो गए हैं, ऐसे मेरे होंठ बड़े बड़े हो गए काले काले, दांत मेरे ऐसे गंदे हो गए लाल लाल, आंखें ऐसी बड़ी हो गई है, कान ऐसे बड़े बड़े हो गए हैं और मैं उस घोड़े पे बैठी हूँ। अपने आप को इमेजिन करो और आप बोलोगे ओ शिट ऐसा तो नहीं बनना है मुझे, और उसके सामने एक सफेद घोड़ा लो, मस्त ब्यूटीफुल राजकुमारी बनो
और राजकुमार बनो और देखो कि वो घोड़ा आपको आपके सपनों की तरफ ले के जा रहा है। तो बिल्कुल इसी एक्सरसाइज को फ्रेंड्स आज दोहराओ आंख बंद करके और देखो, बहुत सारा डिफरेंस मिलेगा और बहुत मजा आएगा। हाँ अनुश्री आगे पढ़े पावर पॉइंट्स। शक्ति के बिंदु हर व्यक्ति के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र होता है। आप जहां भी जाते हैं यह चुंबकीय क्षेत्र भी आपके साथ साथ जाता है। अपने चुंबकीय क्षेत्र द्वारा ही आप अपने जीवन की हर चीज को आकर्षित करते हैं। हर पल आपकी भावनाओं से ही यह तय होता है कि आपका यह क्षेत्र सकारात्मक है या नकारात्मक। हर बार जब आप अपनी भावनाओं, शब्दों या कार्यों के द्वारा प्रेम करते हैं तो आपके चारों ओर के इस चुंबकीय क्षेत्र में प्रेम बढ़ जाता है। आपके चुंबकीय क्षेत्र में जितना ज्यादा प्रेम होता है आपके पास अपनी मन चाही चीजों को आकर्षित करने की शक्ति भी उतनी ही ज्यादा होती है। आपकी इच्छा या मन चाही चीज को जो भी हो उसकी कल्पना एक बिंदु की तरह करें। प्रेम की विराट शक्ति के लिए आपकी इच्छा एक बिंदु से भी ज्यादा छोटी है। आपकी नकारात्मक को सकारात्मक में ही नहीं बदलना है, बस अपनी मन चाही चीज के प्रति प्रेम दे, क्योंकि आपकी मन चाही चीज के सृजन से सारी नकारात्मकता अपने आप दूर हट जाएगी। हर दिन 7 मिनट तक यह कल्पना और एहसास करें कि आपकी मन चाही चीज आपके पास है। यह काम हर दिन करते रहे जब तक कि आपको यह महसूस न होने लगे कि आपकी इच्छा पूरी हो चुकी है। ऐसा तब करें जब तक कि आपकी इच्छा उसी तरह आपकी न हो जाए जैसे आपका नाम है। जीवन में सिर्फ एक ही शक्ति है और वह शक्ति है प्रेम। एक मिनट, मैं राज को म्यूट कर रही हूँ, एक मिनट। हाँ पढ़े। जीवन में सिर्फ एक ही शक्ति है और वह शक्ति है प्रेम। आप या तो प्रेम से भरा होने के कारण अच्छा महसूस कर रहे हैं या फिर प्रेम से रिक्त होने के कारण बुरा महसूस कर रहे हैं, लेकिन आपकी सारी भावनाएं प्रेम का ही अंश है। बुरी भावनाओं को हल्का करके करने उनकी उनकी के लिए उन्हीं के लिए उनकी कल्पना जंगली घोड़ों पर चढ़ने से करें। अगर आप उन पर चढ़े थे तो उतर भी सकते हैं। आप जितनी तेजी से उस घोड़े पर चढ़े थे उतने ही जल्दी उस पर से उतरने का विकल्प भी चुन सकते हैं। आप जो देते हैं उसे बदल लेंगे तो आपको मिलने वाली चीजों भी शर्तियां बदल जाएगी चीजों, क्योंकि यही आकर्षण का नियम है, यही प्रेम का नियम है। ओके, जीवन आपका अनुसरण करता है, आपको फॉलो करता है, लाइफ इज फॉलो यू। तो ये एक पढ़ लेते पेज, इसके बाद फिर स्टॉप कर एक पेज पर। ओके। भाग्य संयोग से नहीं बनता है, यह तो आपके चयन से बनता है। विलियम जेनिंग्स ब्रायन 1862-1925 अमेरिका नेता। जीवन आपका अनुसरण करता है, आपको जीवन में दिन जिन चीजों का अनुभव होता है वे सभी आपके द्वारा दिए विचार और भावनाओं का परिणाम है। चाहे आपको इस बात का एहसास हो या न हो, जीवन आपको कहीं नहीं ले जाता है, यह तो आपके पीछे पीछे चलता है। अपनी तकदीर आपके हाथ में ही है। आप जो भी सोचते या महसूस करते हैं उसी से आपका जीवन तय होता है। जीवन आपके सामने हर चीज पेश करता है ताकि आप अपनी प्रिय चीज चुन सकते। जीवन एक कैटलॉग है और इस कैटलॉग को देखकर आप चुनते हैं कि आप किसे प्रेम करते हैं, लेकिन क्या आप सचमुच अपनी प्रिय चीजें ही चुन रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप बुरी चीजों का मूल्यांकन करने और उनकी बुराई करने में ही व्यस्त है? अगर आपका जीवन अद्भुत नहीं है तो इसका मतलब है कि आप अनजाने में बुरी चीजों का आकर्षित कर रहे हो। जिन चीजों को आप बुरा मानते हैं उनके बारे में सोच सोच कर आप अपने जीवन के उद्देश्य से ही दूर भटक गए हैं। आपके जीवन का उद्देश्य
प्रेम करना है। आपके जीवन का उद्देश्य खुशी पाना है। आपके जीवन का उद्देश्य अपनी प्रिय चीजें चुनना है। आपके जीवन का उद्देश्य अप्रिय चीजों से दूर रहना है। इसलिए मेहरबानी करके उन्हें चुनना छोड़ दे। आप जिसे प्रेम हाँ, तो अभी ये कल से पढ़ेंगे, आप जिसे प्रेम करते हैं उसे ही चुने। अभी दो ओके मैम पढ़ लो, नहीं तो पढ़ लो, एक पैराग्राफ हो ओके ओके ठीक है। आप जिसे प्रेम करते हैं उसे ही चुने। जब आप अपने सपनों की कार को किसी सड़क पर जाते देखते हैं, तो इसका मतलब है कि जीवन वह कार आपके सामने पेश कर रहा है। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि अपने सपनों की कार देखते समय आपके अंदर कौन सी भावनाएं आती है। यदि उस कार को देखते समय आप उसके प्रति प्रेम महसूस करते हैं, तो आप उसे अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। दूसरी ओर यदि आप इस बात पर ईर्ष्या या जलन महसूस करते हैं कि कोई दूसरा आपके सपनों की कार चला रहा है, तो आप उस कार को पाने की संभावना को दूर कर देते हैं। जीवन ने वह कार को पाने की संभावनाओं को दूर कर देते हैं। जीवन ने वह कार आपके सामने इसलिए पेश की है ताकि आप उसे चुन सके, और आप प्रेम महसूस करके ही उसे चुनते हैं। क्या आप समझ रहे हैं कि दरअसल इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई चीज किसी दूसरे के पास है और आपके पास नहीं है। जीवन आपके सामने हर चीज पेश कर रहा है, और अगर आप इसके प्रति प्रेम महसूस करते हैं, तो आप उसे अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। यस फ्रेंड्स, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर था कि हम जो भी देखते हैं हमारे पड़ोसियों में, रिश्तेदारों में, वो कुछ खरीदते हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो हमें उन्हें ब्लेस करना है फ्रेंड्स, ग्रेटिट्यूड देनी है और दिल से देनी है कि हाँ कि उन्हें मिला, हमें भी मिलेगा, बहुत अच्छा लगा, आप आगे बढ़ रहे हो। ना कि उनको कुछ बुरी भावना से देखना है कि ये इतना ऐसे क्यों कमा रहा है, गाड़ी से गाड़ी क्यों लेते हुए जा रहा है। तो वो जो हम फीलिंग्स देंगे वही फीलिंग्स हमारे पास आएगी। तो इन्होंने जो बताया है कि अगर आप इसके प्रति प्रेम महसूस करते हैं तो आप उसे अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ये इसका नियम है आकर्षित का फ्रेंड्स, जो हम फीलिंग्स देंगे उसी फीलिंग से हम आकर्षित करेंगे। सो बाकी का हम कल से स्टार्ट करेंगे फ्रेंड्स, 9:30 हुए हैं, तो कल हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं 8:30 को। जो मैंने आज आपको मेडिटेशन बताया है और बाकी सारी चीजें बताई है, प्रैक्टिस करिएगा, और किसी को कोई